मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, खास तौर से जो ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है DMD, और छोटे बच्चों में जब वो चलना स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पर अगर इस चीज़ को पहचान लिया जाए कि बच्चे को अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, खड़े होने में, बैठ के उठने में या उसको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर हम इसको इधर उधर ना जाकर इधर उधर ना सोचें और टाइम को जो है ख़राब ना करें, और इनिशियली अगर उसको स्टार्टिंग में ही पहचान लिया जाए कि ये जो प्रॉब्लम है ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की वजह से है और उसको हम जल्दी से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम जो है इसी में वेस्ट हो जाता है कि हमको पता नहीं होता कि बच्चा किस वजह से जो है चल नहीं पा रहा या उसको बैठ के उठने में प्रॉब्लम हो रही है। बहुत टाइम ऐसा निकल जाता है कि बच्चे में कमज़ोरी है, बच्चे में विटामिन्स या विटामिन डी या कुछ मिनरल्स की डिफिशेंसी है जिसकी वजह से जो बच्चा है वो चल नहीं रहा या बैठ के उठ नहीं पा रहा या उसको प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरी जो चीज़ होती है, कभी कभी ये सोचा जाता है कि 2 साल या 3 साल के बाद बच्चा चलने लगेगा, तो इस तरह से भी 2 साल या 3 साल या उससे ज़्यादा जब एज हो जाती है, 4, 5, 6, 7 साल के बच्चे हो जाते हैं, 8 साल के बच्चे हो जाते हैं और उसका डायग्नोज नहीं हो पाता, तो काफ़ी टाइम जो इस तरह से वेस्ट हो जाता है। और इस टाइम में क्या है, बच्चे की बहुत ज़्यादा मसल्स में वीकनेस हो जाती है, उसकी जो स्पाइन होती है वो भी टेढ़ी होने लगती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो टेढ़ी हो जाती है, और उसका जो सीना होता है वो आगे की तरफ को निकल जाता है, और जो उसका जो कमर होती है वो अंदर की तरफ को हो जाती है, हाथ पैर उसके इस एज तक आते आते टेढ़े होने लगते हैं, और बच्चा इतना वीक हो जाता है कि अब वो हिल भी नहीं सकता। और उसको फिर ट्रीट करना और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करना, फिर उसमें उसी हिसाब से जो है प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो ट्रीटमेंट होता है ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, बहुत ही अर्ली स्टेज में जितनी जल्दी हम इसको पहचान के इसका ट्रीटमेंट करेंगे और इसको अगर हम देखेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि इसको किस तरह से हम रिकवर करें और इसको किस तरह से जो है ट्रीट करें, उतना ही इसका ट्रीटमेंट जो है आसान हो जाता है और जो प्रॉब्लम होती है वो बढ़ने से हम रोक सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, टाइम के साथ साथ बढ़ती है, तो हमको इसको बढ़ने नहीं देना, पहचान के एकदम से इसका ट्रीटमेंट करना है और इसकी जो कंडीशन है बच्चे की उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। बच्चा अगर चल रहा है और उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो उसको ट्रीट करना, उसको रिकवर करना मसल्स को इतना मुश्किल नहीं होता और आसानी से हो जाता है। और जब बच्चा एक बार बेड में आ जाता है और उसको काफ़ी वीकनेस हो जाती है, तो उसके बाद जो चीज़ होती है जिस पे हम ध्यान देते हैं या जिस पे ध्यान देना भी चाहिए, वो है उसके इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो डैमेज ना हो, वहाँ की मसल्स जो है ख़राब ना हो, और बच्चे की लाइफ के ऊपर कोई ऐसी बात ना आए जिससे उसकी लाइफ में थ्रेट आए या उसकी ज़िंदगी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आए। तो दोनों ही चीज़ें होती हैं, एक तो जो स्केलेटल मसल होती हैं उसको मजबूत रखना और जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी मसल्स को भी मजबूत रखना। ये दोनों चीज़ें अगर हम करेंगे तो बहुत ही आसानी से जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को हम जो है इम्प्रूवमेंट कंडीशन में कर सकते हैं, CP के लेवल को उसके कम कर सकते हैं, नॉर्मल तक ले आ सकते हैं और उसको मसल्स की रिकवरी भी हम कर सकते हैं। तो चीज़ जो ज़रूरी होती है वो यही होती है कि हम उसको पहचान लें, और जितनी जल्दी हम इसको पहचान लेंगे उतना ही आसान जो है इसका ट्रीटमेंट भी होगा और बच्चे को किसी तरह की प्रॉब्लम जो है फेस करना नहीं पड़ेगा।